नमस्कार। देखें, आलेट आंवला नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में नगर पालिका परिषद सभागार में आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बोलते हुए भाजपा के जिले अध्यक्ष वीर सिंह पाल ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव वास्तव में वर्तमान समय में आज हम देश को ज्वलंत मुद्दे जो पहले हुआ करते थे उन सभी का हल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हल हुआ है। आज भारतवासी सीमा उठाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज विश्व में भारत के अलग शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में पहचान है। मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय कवि प्रोफेसर डॉक्टर एमपी सिंह ने कहा कि वर्तमान प्रयास में युवा देश की आज़ादी से जुड़े प्रसंगों को पढ़ा करें, जिससे ने मालूम पड़ेगा कि देश की आज़ादी में हम किस प्रकार प्राप्त हुई और हमें राष्ट्र निर्माण में किस प्रकार भूमिका हमें अदा करनी चाहिए। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिक कार्यकर्ता कर्मचारी नेता संतोष पांडे ने कहा, जिस देश में युवा जागृत होते हैं मैं देश में निश्चित रूप से विकसित देश की श्रेणी में बहुत जल्द आ जाता। युवाओं को अपनी जिम्मेदारी का सदप्रसिद्ध करना चाहिए। प्रमुख व्यापारी नेता भाजपा के जिला को सर्जत परिवेश में युवाओं को सामाजिक कार्यकर्ता युवा के लिए विभिन्न कार्यकारी योजनाएं चलाई जा रही। इस अवसर पर मुख्य रूप से बीना स्तोगी, मीना मौर्य, सर सक्सेना, आशीष सिंधु, शक्ति सिंह सहित बड़ी संख्या में युवाओं की संख्या रही। वहीं कार्यक्रम को सफल संचालन समाज सेविका बहन ऊषा सजीता ने किया।